इन क्वेश्चन नंबर सेकंड बोला गया है, रमना स्पेंड 75% ऑफ हिज इनकम इज इंक्रीज बाय 25% एंड ही इंक्रीज हिज एक्सपेंडिचर बाय 10%, बाय व्हाट परसेंटेज आर हिज सेविंग्स इंक्रीज्ड। तो इस क्वेश्चन को हम एलिगेशन से सॉल्व कर सकते हैं। एलिगेशन का फॉर्मेट रहता है, एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो रहा है फिर डिक्रीज हो रहा है, सेविंग्स इंक्रीज हो रही है डिक्रीज, इनकम इंक्रीज या डिक्रीज, और लास्ट में लिखते हैं हम एक्सपेंडिचर और सेविंग्स के रेशियो। बोला है उसकी इनकम इंक्रीज हो रही है 25% से और उसका एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो रहा है 10% से। उसकी सेविंग्स के बारे में पूछा गया है तो सेविंग्स को मान लेंगे हम एक्स। क्वेश्चन में बोला है 75% वो खर्च कर देता है अपनी सेविंग का, तो बचाता कितना होगा 25%, तो यहाँ से आ रहा है 1, यहाँ पे आ रहा है 3। अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे साइड साइड को, हो जाएगा 30। इन दोनों का सम करेंगे, 3 + 1 = 4, इसको रखेंगे इस वाली वैल्यू के इक्वल सेंटर वाली के। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी 70%।